स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्ले फेयर्स एग्जाम। प्ले फेयर एक मैथमेटिशियन था जिसने ये एग्जाम पेश किया, तो उनके नाम से इसको प्ले फेयर्स एग्जाम कहा जाता है। प्ले फेयर्स एग्जाम को यूक्लिड्स पैरेलल पोस्टुलेट भी कहा जाता है। अब यूक्लिड्स भी एक मैथमेटिशियन था जिसने इनिशियली ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस करवाया था, उसका नाम था यूक्लिड्स। तो यूक्लिड्स ने टोटल 5 पोस्टुलेट्स दिए थे, 5 पोस्टुलेट्स। तो उसमें से एक पोस्टुलेट जो कि 5th पोस्टुलेट है, उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे उसकी जगह पे प्ले फेयर्स ने ये वाला एग्जाम पेश किया था। अब एग्जाम क्या होता है? ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको प्रूव किए बगैर हम के ट्रू कंसिडर करते हैं, और पोस्टुलेट्स भी ऐसे ही स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको प्रूव किए बगैर ट्रू कंसिडर करते हैं। पोस्टुलेट्स ज्योमेट्री से रिलेटेड स्टेटमेंट्स होते हैं, जबकि एग्जाम्स जो है वो नंबर से रिलेटेड स्टेटमेंट्स होते हैं। और पैरेलल का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? जी बिल्कुल, पैरेलल मतलब होता है जो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में दोनों सेम डिस्टेंस के साथ, ऐसी लाइंस जो सेम डिस्टेंस के साथ ट्रेवल कर रहे हैं उनको पैरेलल कहते हैं। आप किसी भी पॉइंट पे इन दोनों लाइंस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो हमेशा एक फिक्स डिस्टेंस यानी सेम रहेगा, और ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, तो ऐसी लाइंस को पैरेलल लाइन कहा जाता है। तो यूक्लिड्स का जो 5th पोस्टुलेट था वो पैरेलल लाइंस के बारे में था, तो जो पहले प्ले फेयर्स एग्जाम है वो भी पैरेलल लाइंस के बारे में ही है। ये प्ले फेयर्स एग्जाम या यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट को हम उसका स्टेटमेंट लिखने से पहले उसकी ज्योमेट्रिक फॉर्म देखते हैं ताकि हमें इसको समझने में आसानी हो जाए। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिकली यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट क्या है। तो ये हमें कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हो, इसको मैं अगर L1 कहूँ, और दूसरी एक स्ट्रेट लाइन हो जिसको अगर मैं L2 कहूँ, तो यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट के मुताबिक क्या है कि अगर ये दोनों लाइंस को एक तीसरी लाइन इस तरह से कट करती है तो जो एंगल बनता है, जैसे कि आपको पता है कि जब दो लाइंस एक दूसरे को कट करती है तो जिस पॉइंट पे कट करते हैं उधर एंगल बनता है, तो जो एंगल्स बनते हैं इन दो पॉइंट्स पे जब इन दोनों लाइंस को तीसरी लाइन कट करें, तो अगर इन दोनों एंगल्स का जो सम है, अगर अल्फा बीटा मैंने एंगल्स के नाम रखे हैं, इन दोनों को प्लस करने से 180 डिग्री से लेस इनका सम आए, तो उसको क्या कहते हैं? उस केस में यूक्लिड्स कहता है कि अगर ऐसे हो तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन लाइंस को एक्सटेंड करता जाऊं तो फिर क्या होगा कि कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जिधर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अगर मैं इस पॉइंट को डी कहूं, अब ये यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट है जिसमें क्या है, हमें ये बताया गया कि इनिशियली दो लाइंस थी, उसको एक तीसरी लाइन कट करें तो जो एंगल्स बनते हैं, अगर उन दो एंगल्स का सम जो है वो 180 से लेस आए, तो इसका मतलब ये है कि इन दो लाइंस को अगर हम यूं एक्सटेंड करते जाएं तो कहीं ना कहीं जाके वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट जरूर करेंगे। तो ये यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट है। अब हम देखते हैं कि प्ले फेयर्स एग्जाम क्या है। प्ले फेयर्स एग्जाम कहता है कि अगर आपके पास इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन हो और आपके पास एक पॉइंट हो और वो पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ना हो बल्कि उससे बाहर कहीं पे भी हो, तो फिर वो क्या कहते हैं कि अगर इस पॉइंट से, वैसे तो आपको पता है कि एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस, जैसे कि ये भी है ये भी है, बहुत सारी इनफाइनाइट लाइंस एक ही पॉइंट से क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन प्ले फेयर क्या कहते हैं कि उन सब लाइंस में से एक ही लाइन ऐसी लाइन होगी जो इस पहले गिवन लाइन के पैरेलल होगा। अगर मैं इस लाइन को L कहूँ और इस लाइन को M कहूँ, तो वो ये कहता है कि इस पॉइंट से इनफिनिट लाइंस तो पास करती हैं लेकिन सिर्फ एक लाइन M ऐसा है जो इस गिवन लाइन के पैरेलल होगा। इसको हम कहते हैं प्ले फेयर एग्जाम। अब ये दोनों एक दूसरे के रिप्लेसमेंट कैसे है, क्योंकि प्ले फेयर भी पैरेलल लाइंस को ही बता रहा होता है और यूक्लिड्स भी पैरेलल लाइंस के बारे में ही बता रहा होता है। स्टूडेंट्स, अब हम प्ले फेयर्स एग्जाम के स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है, वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट विच लाइज आउटसाइड द गिवन लाइन इज पैरेलल टू दैट लाइन। तो इसको अगर मैं यहाँ पे दोबारा से आपको ड्रॉ करके समझाऊं तो इसका क्या मतलब होगा कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक गिवन लाइन है, ये एक लाइन आपको गिवन है, तो प्ले फेयर्स एग्जाम के मुताबिक उन्होंने कहा वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट विच लाइज आउटसाइड द गिवन लाइन। तो इसमें वो कहते हैं कि इस लाइन के ऊपर आपने पॉइंट नहीं लेना, इस लाइन से बाहर अगर कोई पॉइंट मौजूद है
और इस पॉइंट से लाइंस अगर पास कर रही हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि एक पॉइंट से इनफिनिटली मेनी लाइंस यानी बहुत सारी लाइंस पास कर सकती हैं, लेकिन एक ही लाइन ऐसी लाइन होगी जो इस लाइन के जो गिवन लाइन है इसको अगर एल कहें तो इस लाइन के एग्जैक्टली पैरेलल होगा। अब पैरेलल का मतलब आपको पता है कि इसका कहीं से भी आप डिस्टेंस ले लो वो हमेशा एक बराबर डिस्टेंस पे एक दूसरे के साथ ट्रेवल कर रहे होंगे। तो ये है प्लेफेयर्स एक्सियम।